अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जावेद इकबाल एवान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंक, यानी लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी। लिंक है क्या? माइक्रोसॉफ्ट ने फ्रेमवर्क 3.5 में लिंक को फ्रेमवर्क का एक पार्ट बनाया था ईयर 2008 में। विजुअल स्टूडियो 2008 के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने फ्रेमवर्क जब 3.5 बनाया था तो उसमें लिंक को इंट्रोड्यूस किया था। लिंक है क्या? लिंक बेसिकली एक सिंटैक्स क्यूरी सिंटैक्स लैंग्वेज है, यानी बल्कि लैंग्वेज नहीं कहेंगे इसको, इसको हम कहेंगे क्यूरी सिंटैक्स कहेंगे। यानी एक क्यूरी सिंटैक्स है जो कि हम सी शार्प और विजुअल बेसिक के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर बस क्या होता है, मैं आपको बहुत इजी तरीके समझाता हूँ। जैसे आप अगर हम क्यूरी में क्यूरीज लिखते हैं, डेटाबेस कोई भी हो, इंजन कोई भी हो, तो अगर हम कोई भी क्यूरी लिखते हैं, जैसे टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं या रिकॉर्ड को फैच करवाना चाहते हैं, तो हम सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ करते हैं, तो हम उसको कहते हैं सिलेक्ट क्यूरी। सिलेक्ट क्यूरी क्या बेसिकली क्या होता है? कीवर्ड होता है हमारे पास। वेयर हमारा क्लाउज होता है, ऑर्डर बाई हमारा क्लाउज होता है। इस तरीके से हमारे पास जो है ऑर्डर ग्रुप बाई का क्लाउज है, तो फ्रॉम जो है हमारे पास कीवर्ड है जो हम रिकॉर्ड फैच करवाने के लिए किसी टेबल में यूज़ करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और फिर टेबल का नाम देते हैं ना। तो सिलेक्ट कीवर्ड लगाते हैं, फ्रॉम का कीवर्ड लगता है, वेयर का लगाना तो वेयर का क्लाउज लगाया जाता है। तो इन कीवर्ड्स और क्लाउजेस को अगर हम प्रोग्रामिंग का एक पार्ट प्रोग्रामिंग सी शार्प के साथ यूज़ करना चाहते हैं, तो इस पर्पज़ के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने फ्रेमवर्क 3.5 में ईयर 2008 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, एज ए फ्रेमवर्क ऐड कर दिया गया है। इसका मतलब है कि हम कोई भी हम काम करना चाहते हैं तो हम इसकी लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट ऐड होती है हमारे विजुअल स्टूडियो में, तो हम इन कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं और उस पर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जो है माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो इसके फीचर्स लाए, एक तो ये कि हम इसको एरे बेस पे या कलेक्शंस के ऊपर इन पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं डेटाबेस से काम करना चाहता हूँ, डेटाबेस कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, तो फिर हमने माइक्रोसॉफ्ट ने हमें ऑप्शन दिया कि लिंक टू ऑब्जेक्ट दिया, कि हम जैसे ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, जैसे डेटा एक्सेस लेयर बनाया हुआ है, बिजनेस लॉजिक लेयर है, बिजनेस एक्सेस लेयर है, उन आर्किटेक्चर हमने जो बनाया जो डिफरेंट क्लासेस के अंदर है जो कि हमारे डेटाबेस से कनेक्टेड है, जिसमें हमने क्यूरीज भी लगाई हैं और सब कुछ काम किया हुआ है, और अब वो क्लासेस जो कि लेयर्स बनी हुई है वो एक ऑब्जेक्ट की शिकल में हम उसको लेना चाहते हैं और उसको हम किसी कंट्रोल से बाइंड करना चाहते हैं, स्पेशली ASP.NET में। ASP.NET में हमें बाकायदा इसका कंट्रोल मिलता है लिंक टू ऑब्जेक्ट का, जिसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इसके बाद फिर अपने जो हमने लेयर्स बनाई हुई होती हैं, डेटा एक्सेस लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर और बिजनेस एक्सेस लेयर को, उसको उसका रेफरेंस देते हैं, तो लिंक टू ऑब्जेक्ट उसके रेफरेंस को उठाते हैं और फिर हम किसी भी ग्रिड के ऊपर या किसी भी डेटाबेस कंट्रोल्स के ऊपर उसको बाइंड कर देते हैं, तो जो है वो सारा डेटा जो हम जिस तरह चाहते हैं वैसा डेटा वहाँ पर आ जाता है। वहाँ से हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और रिकॉर्ड फैच भी करवा सकते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए लिंक टू ऑब्जेक्ट माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस किया। फिर इसके साथ साथ जो है वो लिंक टू डेटा सेट आया हमारे पास। तो मतलब अब मैं डेटा सेट बेस पे काम करना चाहता हूँ, तो डेटा सेट बनाते हैं, जैसे हम नॉर्मली हम डेटा सेट बनाते हैं जो स्कीमा के थ्रू काम करता है, तो अगर मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ तो फिर लिंक टू डेटा सेट हमें डायरेक्टली एक लाइब्रेरी मिल जाती है जिसके थ्रू हम काम कर लेते हैं। फिर इसी तरीके से लिंक टू XML आया, कि हम XML की अगर मैं उसको फाइल है और अब उस पर हम काम करना चाहते हैं XML फाइल के ऊपर, तो फिर लिंक टू XML के थ्रू हम XML की फाइल से रिकॉर्ड को फैच करवा सकते हैं और इसी तरह से इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह कर सकते हैं। फिर लिंक टू SQL आया, यानी मतलब SQL सर्वर डेटाबेस हमारे पास मौजूद है, तो अब SQL सर्वर डेटाबेस को हम यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर डायरेक्टली लिंक टू SQL के हमें क्लासेस मिलती हैं जिसके ज़रिए से हम जो है SQL सर्वर के डेटाबेस को हिट कर सकते हैं और उसमें क्रूड ऑपरेशन इंसर्ट अपडेट डिलीट और सिलेक्ट की क्यूरी हम डायरेक्टली काम कर सकते हैं। हमें क्यूरी नहीं लगानी, मैं बार बार क्यूरी का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूं, लेकिन क्यूरी नहीं लगती, इसके अपने बिल्टअप मेथड्स होते हैं जो कि ORM बनाता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर बनाता है, और हम उसके अपने बिल्टअप मेथड्स को यूज़ करते हैं और इनसे अपडेट भी करते हैं, इंसर्ट भी करते हैं, डिलीट भी करते हैं और रिकॉर्ड फैच भी करवाते हैं, लेकिन उसकी अपनी एक हायरार्की होती है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लिंक टू SQL और लिंक टू XML वगैरह कराऊंगा। फिर इसी तरह से आपके पास लिंक टू एंटिटीज आया, ये आपके पास लिंक टू एंटिटीज जो आया है वो आपके पास फ्रेमवर्क 4.0 में आया था। बेसिकली लिंक टू SQL आपके पास वो ये सारी चीज़ें आपकी फ्रेमवर्क 3.5 में आई थी, लेकिन इसमें फिर एक इशू था कि जिससे लिंक टू SQL है, ये सिर्फ SQL सर्वर डेटाबेस को कनेक्ट कर सकता है, इसके अलावा हम किसी और डेटाबेस को इसके जरिए से कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटाबेस ओरेकल का है या MySQL का है, तो फिर मैं उसको हम कनेक्ट नहीं कर सकते थे लिंक टू SQL की क्लासेस के थ्रू। तो फिर इसके लिए फ्रेमवर्क 4.0 में हमारे पास लिंक टू एंटिटीज़ आया, जिसके ज़रिए से हम हर तरह के तमाम डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं लिंक टू एंटिटीज़ के ज़रिए से। तो ये सारी वराइटीज़ हमारे पास आई थी, अब इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं।
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एरे बना लेता हूँ और उस एरे पे हम काम करते हैं और फिर कलेक्शन वगैरह करते हैं। मैं आज की क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ लिंक को समझाऊंगा और उसके बाद फ़ौरन बाद मैं लिंक टू एसक्यूएल और लिंक टू एंटिटीज़ की रिकॉर्डिंग करूँगा, जिसमें फिर डेटाबेस को मैं कनेक्ट करूँगा। तो आज मैं जो समझा रहा हूँ पहले लिंक का साइंटिक्स हमें समझ में आना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एरे बनाया है, मैं एक एरे बना लेता हूँ, मैंने नेम के नाम से एरे बना दिया और यहाँ पर आके मैंने कुछ नाम पास कर दिए, जैसे मैंने कहा वेस, एक और नाम दे दिया हमने ठीक है जी। अब ये नाम हमने पास कर दिए एरे बना के नेम के वेरिएबल के अंदर, उसको हमने एरे नेम एरे में हमने ये नाम पास कर दिया। अब मैं इसको इसका रिटर्न लेना चाहता हूँ, इसे नाम उठाना चाहता हूँ, इसमें कोई कंडीशन लगाना चाहता हूँ, और जैसे हम एसक्यूएल में लगाते हैं इस तरह के कीवर्ड लगा के काम करना चाहते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए लिंक का सिंटैक्स क्या होता है, अब जैसे मैंने एक वेरिएबल बना लिया वार करके, वार बेसिकली एनोनिमस डेटा टाइप होती है जिसमें हम टाइप यहाँ नहीं देते, रन मोड पर खुद ही टाइप असाइन करता है। और यहाँ पर आके अब मुझे नेम से रिटर्न लेना है, तो जस्ट लाइक मुझे एक क्यूरी लगानी है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और फॉर एग्जाम्पल टेबल का नाम नेम है तो मुझे लगाना है ना सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम नेम, सारे रिकॉर्ड फेच करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले लिखना है फ्रॉम, कीवर्ड आ गया, फिर अभी आप एक लोकल वेरिएबल लोगे जिसे मैंने ए के नाम से ले लिया, फिर इसके बाद आपने इन लिखना है, और फिर आपने अपना जिस जहाँ से हमको रिटर्न लेना है एरे का उसका हमने नाम पास कर दिया। अब मैं चाहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम नेम की क्यूरी लगाना चाहता हूँ, तो फिर हम लिखेंगे सिलेक्ट ए। अब ये आपके पास हो गया सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम नेम, या अगर नेम अगर टेबल का नाम है तो इस तरह का सिंटैक्स हो गया। तो हमने वार एक्स करके एक वेरिएबल लिया, फ्रॉम का कीवर्ड लगा, ये फ्रॉम का कीवर्ड वही काम करेगा जो कि वो क्यूरी पर काम करता है। एक लोकल वेरिएबल हो गया, इन रेंज के लिए इस्तेमाल होता है, नेम के एरे में से उसको रेंज उठाएगा, और फिर सिलेक्ट ए इसका मतलब है तमाम रिकॉर्ड को वो उठा लेगा। अब एक्स के पास सारा डेटा आ चुका है, अब इसको मुझे फेच करवाना है, तो हमें लाजमी फॉरिच की लूप चलानी पड़ेगी। हमने फॉरिच की लूप चलाई, और यहाँ पे अगर मैंने एक वेरिएबल ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एन के नाम से ले लिया, और कहाँ से रिटर्न लेना है नेम के हमें एरे से इसको, बल्कि सॉरी एक्स से, क्योंकि एक्स में आ चुका डेटा, तो मुझे एक्स से इसको रिटर्न लेना है। अब मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, हमने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैंने कहा प्रिंट करा दो, किसको एन को प्रिंट कर दो। तो स्क्रीन को रोकने के लिए हमने इसको रीड का मेथड लगा दिया ठीक है। अब जब मैं रन करूँगा तो मेरे पास जितने भी हमने नाम लिखे थे उस नेम के एरे में वो सारे नाम का हमें प्रिंट आ गया। दोबारा समझा देता हूँ कोड को, हमने एरे बनाया, नेम के नाम से एरे बनाया, उसके अंदर मैंने ये पांच नाम पास कर दिए। फिर इसके बाद मैं लिंक सिंटैक्स को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने लिंक सिंटैक्स के लिए हमने वार यूज़ किया, एक वेरिएबल लिया एक्स के नाम से, किसी भी नाम से ले लें। फ्रॉम का कीवर्ड, ये वही काम करेगा, फ्रॉम का कीवर्ड है जैसा एसक्यूएल सर्वर या किसी भी क्यूरीज में हम लगाते हैं ना, तो हम फ्रॉम के बाद टेबल का नाम लिखते हो तो हम क्यूरी लगाते हैं, जब हम सिलेक्ट लगाते हैं और फ्रॉम यूज़ करते हैं तो हम रिकॉर्ड को फेच करवाना चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम देते हैं। तो अब इसका सिंटैक्स क्या होगा, इसमें आपने पहले फ्रॉम लिखना है, फिर इसके बाद एक लोकल वेरिएबल लेना है, फिर इनका वही कीवर्ड है जैसे क्यूरीज में होता है, यानी क्यूरी में कीवर्ड होता है इन, यानी रेंज के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ भी वो रेंज ही ले रहा है। किससे रेंज उठाएगा, नेम के से रेंज उठाएगा, और नेम से रेंज उठाने के बाद जो है सिलेक्ट ए कर दिया, मतलब मैं सिलेक्ट ए मतलब मैं सारा डेटा चाहता हूँ तो मैं सिलेक्ट ए कर दिया। फिर इसके बाद हमने फॉरेज की लूप चलाई, और फॉरेज की लूप चला के हमने इसको जो है वो प्रिंट करवा दिया, तो हमारे पास सारा डेटा यहाँ पे आके हमारा प्रिंट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं जैसे हम अब इसमें मैं वेयर का क्लाउज लगाना चाहता हूँ, तो फिर हमने कह दिया वेयर, उसका मुझे डेटा चाहिए एक मौजूद रिकॉर्ड, तो डॉट कंटेंट्स का मेथड होता है। कंटेंट्स का मेथड क्या करता है कि मुझे जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा नाम में बताता हूँ, थोड़ा कंटेंट्स में मुझे जैसे हमने यहाँ पे आके अब जैसे मैं कुछ नाम चेंज करता हूँ, मैंने कहा जावेद इकबाल ठीक है जी। अब मैं इसको कंटेंट्स देता हूँ इकबाल, इस नामों में जो मैं जो डेटा लिखा हुआ है उसमें इकबाल जहाँ जाए वहाँ पर उसका रिकॉर्ड लेकर आ जाओ, तो क्या करेगा कंटेंट्स में देखो एक नाम को लेकर आए जहाँ पे उसको इकबाल मिला। अगर यही इकबाल मैं यहाँ से उठाता हूँ और मैं यहाँ पर आके अब्दुल इकबाल कर देता हूँ, तो इसका मतलब है अब वो इस नाम को भी फेच करके ले आएगा। तो कंटेंट्स यानी जहाँ पे ये तुम्हें मिले, जहाँ पे तुम्हें ये मिले, तो वो इकबाल जहाँ जहाँ मिला वहाँ से उसको लेकर आ गया। तो वेयर के क्लाउज के ज़रिए से हमने कंटेंट्स का मेथड यूज़ करके ये रिकॉर्ड भी कर दिया, ये भी हमें वैरायटी मिलती है।
फिर इसी तरीके से अगर मैं स्टार्ट में जैसे हम लाइक की क्यूरी लगाते हैं, लाइक की क्यूरी की तरह करना चाहते हैं, तो फिर हमने कहा वेयर ए डॉट स्टार्ट विथ का मेथड मिलता है हमें, स्टार्ट विथ भी मिलता है और एंड विथ भी मिलता है। तो हमने कहा स्टार्ट विथ जिसका नाम पहला ए से शुरू हो रहा है उसका रिकॉर्ड लेकर आ जाओ। तो हमने अब जब करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ए के पहले करेक्टर हैं असद हो गया, अब्दुल हो गया और अब्दुल्ला हो गया, मुझे इसका रिकॉर्ड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि शुरू के दो करेक्टर दे देता हूँ जैसे हम स्टार्ट विथ में करते हैं, जैसे लाइक क्यूरी के लिए करते हैं, मैं कहा ए और एस या ए और बी वाले आ जाए, तो इसका मतलब है ए और बी जिसके शुरू के दो करेक्टर हैं उनका रिकॉर्ड आ जाए, तो वो उनके रिकॉर्ड को लेकर आ जाएगा। तो जस्ट लाइक की क्यूरी हमारे पास लग गई स्टार्ट विथ के मेथड से। और इसी तरह से हम एंड भी लगा सकते हैं, और एंड करके हमने कहा ए डॉट एंड विथ लगा दिया, और जिसकी एंडिंग जो होती है वो होती है फॉर एग्जांपल हमने कहा एल से हो रही है उसका रिकॉर्ड लेकर आ जाओ। तो स्टार्टिंग भी करेक्टर भी दे दिया, एंडिंग करेक्टर दे दिया, तो देखिए हमारे पास अब्दुल इकबाल का रिकॉर्ड लेकर आ गया, और दूसरे का रिकॉर्ड अब्दुल्ला का रिकॉर्ड लेकर नहीं आया क्योंकि उसका लास्ट करेक्टर एल नहीं था, एच है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हम नॉर्मली क्यूरी में इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्यूरी वो साइंटिस्ट वो कीवर्ड्स है उनको हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, तो हम सी शार्प की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, सी शार्प को कोड कर रहे हैं, और ऑटोमेटिकली जो है वो हमें जो है वो उन कीवर्ड्स को इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उन कीवर्ड्स का वही काम जो क्यूरी में होता है वही काम यहाँ भी कर रहे हैं। अब देखिए जहाँ भी लाइब्रेरी कॉल होती है बाई डिफॉल्ट यूनिक सिस्टम डॉट लिंक, जब हम फ्रेमवर्क 3.5 या सुपर का कोई भी फ्रेमवर्क लेंगे तो हमें लाइब्रेरी बाई डिफॉल्ट मिलेगी। तो इसको हमने लैंग्वेज लाइब्रेरी बना के हमारे लैंग्वेज का एक पार्ट बना दिया है। अब हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी शार्प और VB.NET जो माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेजेज हैं जो कि हम विजुअल स्टूडियो में यूज़ करते हैं उसके ऊपर रहते हुए हम इनको यूज़ कर सकते हैं, और उसका वही काम होता है जैसे नॉर्मली वो बाहर करते हैं। तो एरे लेना चाहे एरे ले लें, अगर एरे के अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कलेक्शन लेना चाहता हूँ, जैसे मैं लिस्ट की कलेक्शन ले लेता हूँ, और हमने लिस्ट कलेक्शन ले लेते हैं, और चाहे तो मैंने यहीं पे उसे कंस्ट्रक्टर में दे देता हूँ नाम, और मैंने ये सारे नाम उठा दिए। ठीक है जी, अब जो है वो इसके ऊपर भी वही काम हो जाएगा, इस समय इसी को उठा लेता हूँ सारी चीज़ें, यही सारा कोड में उठा लेता हूँ, और यहाँ से आके मैंने एक्स वाई कर देते हैं, और यहाँ मैं रिटर्न ले लेता हूँ इसको एल से, ठीक है जी। तो अब ये भी वही काम करेगा जो उसने ऊपर काम किया था, बिल्कुल वैसे ही आउटपुट आ जाएगा। और यहाँ पे जो है मैं किससे रिटर्न ले लूँगा इसको, मैं एक्स वाई से रिटर्न दे देंगे इसको हम, तो जैसे काम उसने ऊपर किया था वही काम यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। वो भी रिटर्न लेके आ रहा है, ये भी उसको रिटर्न लेके आ रहा है, ठीक है जी। मैं आके कंडीशन इसको कमेंट कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब जो हमारे पास जो डेटा आएगा वो जहाँ से फुल लेकर आ रही है या कि वो लेकर आ गया। तो कहने का मकसद ये कि हम इसको कलेक्शन में यूज़ करना चाहें तो कलेक्शन भी यूज़ कर लेंगे, मैं सेपरेट दे रहा हूँ ताकि आपके सामने क्लियर हो जाए कि किसका रिकॉर्ड किससे आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ से ऊपर एरे से रिटर्न आ रहा था ये, फिर हमने कलेक्शन बनाया लिस्ट कलेक्शन यूज़ की, वहाँ से हमने रिटर्न करा दिया। तो हमें जो समझने वाली चीज़ थी वो तो था लिंक का सिंटैक्स। अब इसी तरीके से हम ऑर्डर बाय यूज़ करना चाहते हैं तो ऑर्डर बाय यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने कहा या दे दिया हमने कहा या इसमें कर लेते हैं ताकि उसमें तो हमने कंटेंट लगाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ मैंने कहा ऑर्डर बाय, हमने कहा ये अच्छा बेसिक डेटाबेस के साथ ही होता है, लेकिन अल्फ़ाबेटली इसका ऑर्डर बाय आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए ए वाले आ रहे हैं, फिर आखिर में जी आ रहा है, और आखिर में सबसे आखिर में ओ का रिकॉर्ड आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये ऑर्डर बाय का रिकॉर्ड ले आएगा। और हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर देते हैं तो हम इसको ए डिसेंडिंग कर देते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब जो अवेस का नाम पहले आ जाएगा और बाकी नाम ए वाली नाम आखिर में आ जाएंगे। तो समझ कहने के जो दोबारा मैं बता रहा हूँ कि ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, वेयर, ये वो क्लाउजेज है, वो कीवर्ड्स है, फ्रॉम हो गया, सिलेक्ट हो गया, जो कि हम क्यूरी में लगाते हैं। तो क्यूरी सिंटैक्स को अब प्रोग्रामिंग का पार्ट उसने बना दिया माइक्रोसॉफ्ट ने फ्रेमवर्क 3.5 के बाद कि आप इन सिंटैक्स को यूज़ करो और इसके अगेंस्ट में आप अपनी प्रोग्रामिंग का एक पार्ट बना के प्रोग्रामिंग करो, कोड करो। तो जो काम उनका उन कीवर्ड्स का जो वहाँ पर था नॉर्मली जब हम क्यूरी पे काम करते थे तो जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होते जो आउटपुट जनरेट वहाँ करने के लिए हम इनको यूज़ करते थे, तो जो काम इनका वहाँ था वही काम यहाँ भी कर रहे हैं।
तो इसके बाद नेक्स्ट ट्रेनिंग में मैं जो है वो लिंक टू एसक्यूएल कराऊंगा, उसमें मैं इन चीज़ों को यूज़ करूंगा, लेकिन पहले इस पर आप अच्छी तरह सेट कर लें, मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपके पास लिंक टू एसक्यूएल और लिंक टू एक्सएमएल एंटिटीज़ आपके सामने ईजी हो जाए। और अगर पसंद आ जाए तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप मज़ीद आप फिर इसके साथ कमेंट्स भी करें, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर रिकॉर्डिंग चाहिए हो, ट्रेनिंग चाहिए हो, तो ज़रूर उसको कमेंट्स करें, तो मेरी जो कोशिश होगी जितना टाइम मिलेगा उस हिसाब से जल्द मैं आपके टॉपिक के मुताबिक ट्रेनिंग जो है वो मैं असाइन कर दूँगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।